मोटू और जूठी के बीच की लड़ाई का सच और इनके बीच में क्या सच में है अनबन, क्या इनके ससुराल वाले क्या सच में जूठी से हैं बहुत परेशान, इसके जिद्दी पने से इसे बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये किसी की भी नहीं सुनती है, इसको तो करनी हमेशा अपनी मनमानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी फ्रेंड, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कल का जो मेरा टाइटल था कि मोटू और जंबो में लड़ाई का रीज़न है ना, ऐसा टाइटल देखकर कुछ लोग, मतलब एक दो लोग ही ज़्यादा नहीं, कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने बोला कि टाइटल किधर है, जो आपने टाइटल डाला है, थंबनेल डाला है, वो वाली बात तो आपकी वीडियो में है ही नहीं। होता क्या है कि बाय चांस कई बार ऐसा कि जब हम लोग वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो कई बार जैसे बार बार हमें स्टॉप करना पड़ता है, लेकिन बार बार ऑन भी तो करना पड़ता है, तो वो ऑन वाला बटन शायद मैं भूल गई थी। ठीक है, तो मैंने बोला था कि वीडियोस भी लंबी हो रही है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कल के वीडियो में बता दूंगी और सेकंड पार्ट बन जाएगा हमारा ना ये चीज़। तो चलिए वन बाय वन जो बातें हैं मैं आप लोगों के साथ आज क्लियर करती हूँ कि मोटू और जूठी के बीच क्या लड़ाई का सच, और नन्नू के टाइटल का जो सस्पेंस है, सेकंड बेबी प्लान वो वाला, और दूसरा कुछ बात करेंगे हम लोग बत्ती के ऊपर भी, और धीरे धीरे आ रही हूँ मैं वन बाय वन एक एक टॉपिक के ऊपर, कुछ जूठी के ऊपर भी, जो कि लास्ट हमारी वीडियोज़ में जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि ये प्रमोशन वीडियो करती हैं, और मेरे को ना आज कमेंट भी आया कि डिंपल दीदी कि आपकी जो वीडियो है ना उसके ऊपर देख लीजिए, इसने आज की वीडियो में ना, मतलब आप ही के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाई देने की कोशिश करी है, जहाँ आप ही को लेके बात करी है। तो हो सकता है, और सच्ची में क्या बताऊँ कि मैंने जैसे ही ना अपना यूट्यूब चैनल ओपन करा मॉर्निंग में, तो फर्स्ट व्यू ही मेरा था यार इसको, सच्ची में। तो चलिए आते हैं अपनी इस झूठी के ऊपर। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मोटू और झूठी में लड़ाई या अनबन किस बात पे है। तो कहीं ना कहीं देखिए आज के वीडियो में इन्होंने खुद ही बता दिया कि इनको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है मोटूज़ फैमिली ने कि देखिए आप ये चीज़ें जो है ना YT पे कुछ चीज़ें लुको छुको वाली भी होती है ना, छुपाने वाली होती हैं, तो तुम वो चीज़ें भी क्लियर कर देती हो, लेकिन ये बहुत ज़िद्दी है ना, ये मानती नहीं है। तो यही बात थी इनकी आपस में कुछ अनबन। तभी तो आपने देखा होगा कि अगर मैं बहुत, मतलब थोड़ा सा पीछे जाऊं और आप लोगों को बताऊं कि दीपावली से पहले से ही इन दोनों की आपस में थोड़ी नहीं, मतलब अनबन थी, तभी तो मोटू ने बिल्कुल भी इसकी वीडियोस में आना बंद कर दिया। लेकिन वो अपनी मी के यहाँ पे था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप लोगों के ऊपर भी असर होता है कमेंट सेक्शन का। जी हाँ, लेकिन अभी तक तो तुम्हें इतने पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे, ये चीज़ें मैं ना झूठी को बोल रही हूँ, बहुत पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन आपके व्यूअर्स जो आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझती नहीं हो, इस वजह से भी मोटू कहीं ना कहीं आपसे परेशान है। वो मना करता है कि आप मत बताओ, डॉक्टर का मत बताओ, ये मत बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो जाती हो, वहाँ पर कुछ बातें आपकी रह जाती हैं जो कि आप बताना चाहती नहीं हो, लेकिन आप बता देती हो, लेकिन हम लोग है ना छोटी छोटी मिस्टेक आपकी पकड़ लेते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि अभी जो इनकी मिस्टेक है, तो इन्होंने रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन इन्होंने पथरी की स्टोन वाली रिपोर्ट नहीं दिखाई। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, देख सकते हो कि मुझे खुद से ही लोग पूछ रहे हैं कि दीदी इन्होंने अभी तक स्टोन वाली रिपोर्ट नहीं दिखाई। तो लीवर इन्फेक्शन भी है आपको, तो डॉक्टर ने आपको गर्म सामान खाने से मना किया होगा, गर्म चीज़ें खाने से मना की होंगी, लेकिन आप तो साग भी खा रही हो, सब खा रही हो। और दूसरा कि अगर आपके स्टोन है तो उसके में साग पालक चीज़ें, ये चीज़ें भी मना होती है, मेथी वगैरह भी मना होती है। अगर आपको लीवर इन्फेक्शन है तो उसमें भी मेथी बथुआ वगैरह मना होता है, इवन उसमें गेहूं की रोटी खाना भी मना होता है। तो लीवर इन्फेक्शन की वजह से आप शायद नहीं खाती हो गेहूं की रोटी। रिपोर्ट के साथ साथ डॉक्टर ने जो आपको परहेज़ बताए हैं, ये भी आप अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर के साथ से ज़रूर से शेयर करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके। ये चीज़ें तो आप क्लियर करती नहीं, कभी बताती नहीं हो, लेकिन आज आपके मुँह से निकल ही गया कि देखिए आपके व्यूअर्स जो है ना आपको फाइनली बताते हैं कि पार्टीशन कर लें किचन में, क्योंकि किचन और बेड बिल्कुल साथ ही साथ में आपका है ना, तो मसाले की सब चीज़ों की स्मेल फैलती है ना।
तो ये चीज़ें एक घर की लेडीज ही समझ सकती हैं, लेकिन आपका तो जिद्दी हो ना, आप तो मानते नहीं हो इस चीज़ के लिए। लेकिन आज आपके मुंह से निकल गया कि आप जो है रेंट पे नहीं दोगे अपना फर्स्ट फ्लोर CHD वाला, तो क्योंकि आप कहीं ना कहीं मान रहे हो इस चीज़ को, खुद ही से मान रहे हो कि बत्ती की बहू जो है वो एडजस्ट नहीं करेगी आपके साथ। ये चीज़ें आप कैसे कह सकते हो? क्या आप बत्ती की बहू से मिले हुए हो कि आपको लगता है कि वो बहुत चंचल आंख होगी, कि बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेगी, जहाँ आप लोगों का आना जाना पसंद नहीं करेगी? और मोटू भी इस बात पे नाराज़ हैं, क्योंकि वो भी कमेंट रीड करते हैं। आप ही का कहना है कि लोग कहते हैं कि पड़े रहते हैं मोटू अपनी ससुराल में, जब आपका खुद का घर है ससुराल का जिसमें मोटू रहे हैं दीपावली के बाद तक। तो आप ही का कहना था कि वो तो चांदपुर में है, हालांकि वो अपनी मी के यहाँ पे थे, मोटू पिटिया दाढ़ी मूछ वाली हमारी, है ना। पहले CHD वाला घर जो है सेल आउट करना, फिर आपको वहाँ घर लेना, फिर आपको वहाँ घर लेना, ठीक है। ऐसे ही आप टाइटल भी डालती रही हो, अपनी वीडियोज़ में बताती भी रही हो। बाद में सबको ही पता था आप सेल आउट नहीं करोगे, ये चीज़ ना सबको पहले ही पता था। और जो होटल्स में जा जा के आप प्रमोशनल वीडियो करते थे ना, तो वो चीज़ अब आपके टाइटल्स पे आ चुकी हैं, क्योंकि जब 1 वीक बाद ना आपका टाइटल जो है ना चेंज हो जाता है, उसके ऊपर प्रमोशन का आ जाता है। जैसा कि अभी 3-4 दिन लेटेस्ट ही वीडियोस देख लें आपके, कि जूतों के लिए मैंने बोला था कि आप प्रमोशनल वीडियो कर रहे हो वो वाला, ठीक है, क्योंकि आप बार बार शॉप का नाम ले रहे थे। अब देखो वो टाइटल चेंज हो गया और जूते ही आप शो कर रहे हो अपनी वीडियोज़ के थंबनेल पर भी। तो ऐसे ही आप प्रमोशनल वीडियो कर रहे थे, लेकिन आपका कहना कि दूसरे लोग आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो वीडियो में आप दिखाते हो उसी वीडियो के भी आप पर ही लोग आपको इतना जानते ज़्यादा हैं। बोलते हो कि जैसा कि आपने तो बोला था कि करवा चौथ पे आपको मिली है वो वाले शूज़ जो दिए उन्होंने, है ना। तो वो शूज़ जब उन्होंने आपको करवा चौथ के गिफ्ट के तौर पर दिए, तो आपने बोला कि अभी हॉल बता दिया आपने उसका, ठीक है, शॉपिंग हॉल जो आप दिखा रहे थे। तो चलिए ये तो वो वाली बात होगी, लेकिन मेन जो पॉइंट अभी आ रहा है ना, वो आप जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ, तो अभी ये है कि इन्होंने बोला कि हम लोग तो जी वहाँ शिमला में ले रहे हैं घर, हम लोग तो वहाँ पे घर ले रहे हैं, ठीक है, देखिए मेरे घर एक शिमला में भी है, मेरा एक घर वहाँ पे भी है, घर मेरा वहाँ पे भी हो गया, ये सब चीज़ें कर रही थी ये वहाँ पे। और ये भी बोला था कि अभी तो मैं देख के जा रही हूँ घर, फिर टोकन मनी देने के लिए मोटू आएंगे। लेकिन मोटू भी जब आए तो उस टाइम पे भी तो टोकन मनी तो नहीं ना दिया आपने, टोकन मनी दे दे 25% दे सकते थे आप। लेकिन जब आप पहले घर देख के गई थी, जब आपको नहीं पता था कि ये आपके बजट से बाहर है, जब आपको ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन वो चीज़ आपको आके बताई मोटू ने। जी हाँ, हमारी मोटू बिटिया ने आके बताई दाढ़ी मूछ वाली ने कि देख बहन, ये सॉरी बहन बोल दिया, कि देख जूठी ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे बजट से बाहर है, ठीक है, क्योंकि तुम मतलब आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रमोशनल वीडियो पर ही गए थे, मोटू को भी लेके गई थी कि देखो यहाँ का मज़ा ही कुछ और है, यहाँ पैसे भी मिलेंगे, तो हम लोगों को तो सिर्फ इनका यही बताना है ना। ऐसा वीडियोस में आप दिखाती हो, लेकिन अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि यूट्यूब पर आप देख सकते हो कि अगर किसी को मकान खरीदना है ना, वो कितने बाय कितने का कैसे है क्या क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें जो है ना वो ही बताते हैं जिनको सेल आउट करना है। नई सोसाइटियाँ जो बन रही हैं उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। अगर चांदपुर में है तो अभी से टोकन मनी दे देती तो 2 साल बाद तो इनको मिल भी जाता मकान वो वाला, है ना। पर इन्होंने बोला कि हमारे बजट से बाहर है, लेकिन वो तो प्रमोशनल वीडियो थी। अभी कोई भी जाके आपकी वो वाली वीडियो देखे जिसके ऊपर टाइटल बदले जा चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने होटल्स के नाम भी लिख दिए हैं, प्रमोशनल वीडियो ही थी वो, चाहे ये अपनी कज़न के साथ गई थी, चाहे ये मोटू के साथ गई थी, चाहे मी और और बत्ती के होटल साथ का गई थी। आप लोगों ने रूम टूर भी अच्छे से दिया, ठीक है, और बत्ती ने भी एक्सप्लोर करवाया। और सोचने वाली बात है कि देखिए, जब आपके टाइटल कुछ और थे तो क्लिक बेट टाइटल थे, आप हमें बोलते हो ना क्लिक बेट टाइटल, कुछ इनके व्यूअर्स आके बोलते तो हैं। मैं पूछना चाहती हूँ न्यू होम टूर, तो ऐसे करके क्लिक बेट टाइटल जो हैं बत्ती के भी थे और इनके भी थे, जी हाँ जूठी के, तो वो फिर क्लिक बेट टाइटल अब क्यों चेंज हो गए होटल में? वो सब लोगों ने, इन्होंने होटल्स का भी बता दिया कि इससे अच्छा होटल कोई नहीं है या कैसे है, लेकिन आज के वीडियो में कहीं ना कहीं
टॉन्टिंग वे में बात की गई है, झूठी बोला गया है, मुझे बोला गया है कि आप झूठ बोलते हो या जैसे भी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब मुझे बताओ कि झूठ कौन बोलता है। ठीक है, पहले आप बातें कुछ करते हो, फिर बातें आप कुछ और करती हो, लेकिन आप अपने व्यूअर्स को राइट वे जो है वो क्यों नहीं बताते हो। मैंने पहले भी बोला है कि आप नॉर्मल वीडियोज़ जैसा पहले बनाती थी, इतनी पॉजिटिव थी आप, तो वैसी वीडियोज़ आप क्यों नहीं बनाते हो। ठीक है, तो अभी आपने सब चीज़ें खुद ही चेंज की हैं, इसलिए लोग आप लोगों अभी के तो लिए बहुत बात कर रहे सारी हैं। ऐसी ठीक, बातें हैं जिसमें आपने इतने झूठ बोल रखे हैं। एक स्पेशली आप चैनल भी क्रिएट कर लेती हो, जब आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हो HP में आके, उस टाइम पे आपका एक नया चैनल सामने आ जाता है, जो कि आपके फैमिली मेंबर जो है ना उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस वजह से आप चैनल नया बना लेती हो। ओके जी, जिसमें आपने गोलियां खाने वाली बात भी की थी, वो सुसाइड वाली बात भी की थी, वो चीज़ अभी भी मेरे पास है, वो आपकी वीडियोस। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आप बताते हो कि बच्चे का ऐसे इश्यू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनली आपको वो गोलियां खाने की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सोचिए आप। और आप जो है ना गलत मैसेज, रॉन्ग मैसेज आप अपने व्यूअर्स को देती हो, जिस वजह से आप खुद ही सबको बोलने का मौका देती हो कि मेरे ऊपर बात की जाए। जी हाँ, मैं झूठी हूँ, मेरे ऊपर बात की जाए, ऐसा आप ही का कहना है। लेकिन आप ये भी दिखाती हो कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं अपनी फैमिली वालों की बात नहीं मानती। कहीं आपके लिए घर में एक कमरा भी नहीं था ससुराल में, ऐसा आप ही का कहना था कि आपके लिए जगह नहीं है। आपने ससुराल वालों को भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा किया है, ठीक है, अपनी फैमिली वालों के साथ साथ। चलिए, आपकी फैमिली वाले तो आपको देवी समझते हैं, अभी उनका क्या कहना, ठीक है, लेकिन आपके ससुराल वाले तो हमेशा आपके साथ ही खड़े थे ना, आपकी हर हाँ में हाँ बेचारे मला रहे थे जैसे भी, लेकिन आपने तो उन्हीं को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन अब जो है आप सारा सामान उठा के अपने ससुराल में चली जाओगी, ऐसा आपका कहना है। ओके जी, जब भैया भाभी उधर चले जाएंगे। अब कहना ये भी है कि क्या ये ट्रेंडिंग में है कि हस्बैंड वाइफ का ऐसे आपस में, चलिए कहीं तो किसी का तो सच होता है और कहीं आप लोगों का तो झूठ ही होता है, क्योंकि आप ट्रेंडिंग पे बात करना चाहती हो, है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक पे, चलिए वो तो सब करना चाहते हैं। लेकिन आपका भी बताना कि कहीं ना कहीं हम ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, कहीं वो यही डिसीजन तो नहीं है तुम कराने वाली हो मोटू बिटिया की दूसरी शादी, कहीं कुछ ऐसी बात सामने आ जाए। तो चलिए, ये तो झूठी की बातें थी, बहुत सारे झूठ हैं अभी तो, वन बाय वन और भी मैं कल अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ क्लियर कर सकती हूँ। लेकिन अभी बात आती है नन्हू के ऊपर। जी, क्या सच में पुत्तन प्रेग्नेंट है, उसने सेकंड टाइम कंसीव किया तो है। उसके लिए हम लोग एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं पुत्तन को भी और नन्नू को भी, ठीक तो है जी। अभी जो है मैं जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन अपनी प्यारी सी YT फैमिली यानी कि व्यूअर्स के लिए, और एक क्वेश्चन यही वाला जूठी के लिए भी मैं छोड़ रही हूँ, वो ये क्वेश्चन है, आंसर आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर इसका अभी कोई पता नहीं है कि ये चांदपुर में है जहाँ अभी कहाँ इनकी शिफ्टिंग हो जानी है, कहाँ जाना है, तो जैसा कि इन्होंने शिमला के लिए बोला था, तो इतनी दूर इनको घर लेने की अभी क्या ज़रूरत थी। ये क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, क्योंकि अगर ये प्रमोशनल वीडियो कहती है ना कि प्रमोशनल वीडियो मेरी नहीं होती हैं, तो अगर प्रमोशनल वीडियो नहीं है तो आपके टाइटल भी सब चेंज है, अगर नहीं यकीन तो आप इनके टाइटल्स आप लोग देख सकते हो। कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।